इंतजार नहीं करते, हमें लगता है कि वो गलत फील्ड में आ गए। जैसे मान लेते हैं आपको ताला दिया जाए और आपको नहीं पता हो किस चाबी से खुलेगा, और एक गुच्छा दिया जाए, गुच्छा उस गुच्छे में 5, 6 या 7-8 चाबियां हैं और आपको कहा जाए इसी गुच्छे से खुलेगा, आपको नहीं पता कि किस चाबी से खुलेगा। अब ये तो तय है कि उसी से खुलेगा, किसी का पहले भी खुल सकता है, किसी का आखिर भी खुलेगा, यही कंपटीशन की फील्ड में है। अब मान लेते हैं किसी का पहले अटेम्प्ट में निकल गया, तो ये जरूरी थोड़े होना कि किसी को पहले अटेम्प्ट में निकल गया तो बाकी लोग तैयारी छोड़ दें, हो सकता है किसी का 2000 अटेम्प्ट में निकले। कई बार अच्छी चीजें मिलने में समय लगता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कई बार अच्छी चीजें मिलने में मतलब मिलने में समय लगता है। तो एक चीज है कि ज्ञान का मतलब केवल ये नहीं है कि जो हम लोग दे रहे हैं या आप कहीं से लेते हैं या आपके पिता ने या आप कहीं देख जाके, जन्म से कब तक जो कुछ भी सिखाते वो भी एक ज्ञान है। इंद्र को चांडाल ने ज्ञान दिया था, अगर आपने भारतीय संस्कृति में पढ़ी है जो भी की मदद दिया है या दंत कथाएं है, तो इंद्र को चांडाल ने ज्ञान दिया था, इंद्र तो देवताओं के है ना। तो कहने का मतलब है कि आप ज्ञान लेना चाहेंगे तो किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब अक्सर ये होता है कि लोग पढ़ाते हैं कहीं पर भी किसी भी फील्ड में, तो आप पहला काम करते हैं जज कर लेगा किसी को भी, एवरीबडी कोई भी, हालांकि 2-4 क्लास बाद में आपको पता चल जाता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जज करने की आदत छोड़ दी, क्योंकि जो दूसरों में कमियां निकालते हैं वो निकालते रहते हैं। और बहुत बढ़िया किसी ने मतलब आपने सुना होगा शायद, एक तो सर ने बताया मसीह आदत छोड़ो नहीं कलम दबो नहीं बस है ना, कभी के लिए तो कभी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हिंदी में बहुत से लोगों ने कभी भी पीएचडी की है, हिंदी में बहुत से लोगों ने कभी भी पीएचडी की जब कभी खुद पढ़े लिखे नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा होगा जिसके पास डिग्री होगी वही पढ़ा सकता है, ये तो मैकाले पद्धति का एक तरीका है कि जो डिग्री वाला होगा वही पढ़ा सकता है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन ठीक तो व्रत ज्ञान ही 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखेंगे व्रत में तो एक होता है ज्ञान व्रत, एक होता है वयोव्रत और एक होता है तपोव्रत। ज्ञान व्रत मतलब जो ज्ञान से बूढ़ा हो गया उसके पास ज्ञान ज्यादा है, वयोव्रत मतलब जो उम्र से बूढ़ा हो, और तपोव्रत मतलब तप यानी मेहनत से जुड़ा हो। तो तीनों में से आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको किसको पदानुक्रम में ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है कि नहीं। ज्ञान व्रत वयोव्रत